नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं वर्ष फल सीरीज के अंदर। तो प्रीवियस दो क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से वर्ष प्रवेश निकालते हैं और वर्ष फल कुंडली बनाते हैं, दूसरा कौन कौन सी ताजिक एस्पेक्ट होते हैं जिसे हम वर्ष फल कुंडली में लगाएंगे। ऑलरेडी इसकी एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो, उसमें मैंने पीडीएफ से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर पर लिखकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे आप बोर्ड ही कंसीडर करके चलें जिससे और आसानी से आपको समझना है। आज हम बात करेंगे मुंथा की। जैसे आपकी लग्न होती है किसी भी कुंडली में, वर्षफल कुंडली में उस तरीके से ही मुंथा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुंथा किस भाव में है उसके बेस पर उस वर्ष के रिजल्ट डिसाइड होंगे जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। जो लोग वर्षफल देखते हैं वो पढ़ते होंगे, लिखा होता है मुंथा इन फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस, तो उसका क्या मतलब है उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुंथा किस तरीके से निकालते हैं। मुंथा एक्चुअली होती है प्रोग्रेसिव लग्न। प्रोग्रेसिव लग्न, जैसे हम ये कुंडली ले रहे हैं तो इसके अंदर पहले भाव में जो राशि लिखी होती है उसे लग्न बोल देते हैं, और ये थ्रू आउट लाइफ फिक्स होती है, जिसे हम बर्थ चार्ट बोलते हैं उसकी लग्न फिक्स होती है। मगर जो प्रोग्रेसिव लग्न है या मुंथा है वो हर साल बदल जाती है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव लग्न बोलते हैं। आज के वीडियो के दो कंपोनेंट होंगे, पहले मैं समझाने के लिए आपको बताऊंगा और दूसरा मैं सीधा ही आपको डायरेक्टली मुंथा निकालने का तरीका बता दूंगा एंड में, जिसमें आपको एक ही मिनट के अंदर आप मुंथा निकाल पाओगे कि इस साल किसी भी नेटिव की मुंथा कहां पर है। तो होता यह है दोस्तों, जब भी कोई नेटिव बॉर्न होता है तो उसकी मुंथा और लग्न एक ही होती है। तो जब वो जीरो से एक साल तक का होता है तो उसकी मुंथा और लग्न सेम होगी, लाइक इस कुंडली के अंदर 12 साइन में है। फिर नेक्स्ट ईयर में मुंथा ये हो जाएगी जब वो एक से दो साल के बीच में होगा, उससे नेक्स्ट ईयर में मुंथा ये होगी। तो हर साल मुंथा अपने से अगले भाव में चली जाती है एक साल में। तो जीरो से वन ईयर तक यहाँ थी, एक से दो साल तक यहाँ थी, तीन साल का जब नेगेटिव हुआ तब तक यहाँ थी, चार साल का था तब तक यहाँ थी, पांच साल का था तब तक यहाँ थी, छह साल का था तब तक मुंथा यहाँ थी, सात साल में आपसे कहे छह से सात साल में मुंथा सिक्स साइन में है इस नेगेटिव की, सात से आठ साल में यहाँ पे है, आठ से नौ साल में यहाँ पे है, नौ से दस साल में यहाँ पे है, मतलब उसके दसवें साल के अंदर यहाँ पे है, ग्यारहवें साल के अंदर यहाँ पे, और बारहवें साल के अंदर मुंथा यहाँ पर होगी। तो जब नेगेटिव 12 साल का हो जाता है तो वो एक राउंड पूरा लग जाता है मुंथा का। 13वें साल में वापस से मुंथा वही हो जाती है जो उसकी लग्न है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो 25वें साल में फिर से मुंथा वही रिपीट हो जाएगी। फिर 37वें साल में हर 12 साल के बाद वही मुंथा रिपीट होगी। तो पहले साल में जो मुंथा है वो उसकी लग्न है, 13वें साल में भी लग्न है, फिर 25वें साल में भी लग्न है, 37वें साल में भी लग्न है, 49वें साल में भी लगना है, और 61वें ईयर में भी लगना है। इसी तरीके से वही मुंथा वापस आना शुरू हो जाती है। तो मुंथा एक राशि से हर साल आगे चलती है, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव लगना बोलते हैं। तो आपको वैसे मुंथा निकालना है किसी भी नेटिव का, सपोज 27वें ईयर में निकालना है तो मैंने बताया कि 13वें साल में यहाँ पे आ जाएगी, फिर 25वें साल में भी मुंथा यहीं पे होगी, तो 26वें साल में यहाँ पे होगी और 27वें साल में यहाँ पे होगी। इस तरीके से हम उस नेटिव की मुंथा निकाल सकते हैं। तो मुंथा प्रोग्रेसिव लग्न है, हर साल वो अपने से नेक्स्ट राशि में चली जाती है। जन्म के समय मुंथा लग्न में होती है और इसके बाद उसको एक एक राशि आप बढ़ाते जाइए, आपको पता चल जाएगा किस साल में नेटिव की मुंथा कौन सी होगी। सपोज आपको 52वें साल में किसी की मुंथा निकालनी है इस नेटिव की, तो 48 ईयर यहाँ पे कंप्लीट होंगे, 49th ईयर में यहाँ पे मुंथा होगी, 58 ईयर में यहाँ पे होगी, 51st में यहाँ पे होगी, 52nd ईयर में थ्री साइन के अंदर जेमिनी साइन में मुंथा होगी चौथे भाव के अंदर। तो ये एक तरीका है मुंथा डिसाइड करने का। अब मैं दूसरा आसान, बिल्कुल ही आसान तरीका बता रहा हूं। इस नेटिव का डेट ऑफ बर्थ है 33397 और मुंथा निकालनी है आपको फॉर द ईयर 2024। तो 2024 को ये नेटिव कितने साल का हो गया है हमें निकालना है, तो 2024 में से 1997 निकाल दीजिए, 27 ईयर का हो गया। तो एक तरीका तो यह है कि मैंने कहा कि यहां से 12 साल तक यहां पे पहुंच जाता है नेटिव, 13 से 24 साल तक यहां पे होगा, 25वां यहां पे, 26वां यहां पे, 27वां साल यहां पे हो गया, तो 27 ईयर में मुंथा ये होगी टू साइन में।
अब आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, आपको क्या करना है कि कंप्लीटेड ईयर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 27th ईयर में, 28th ईयर में ममता यहां पे होगी, फिर से मैं बता देता हूं, देखिए 12 साल में यहां पे होता है, 13 से 24 में फिर यहां पे, तो 24 साल कंप्लीट हो गया, 25वें साल में होगी, 26वें में होगी, 27वें साल में, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26th ईयर, 27th ईयर में होगी, 28th ईयर में ये होगी। अब मैं इसकी ममता निकालना चाहता हूं 2024 में, तो कंप्लीटेड ईयर हो गया 27, मतलब 28th ईयर में ममता फाइंड आउट करनी है, तो वो 3 साइन में आएगी। मगर मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं बड़े आसान तरीके से, आप कंप्लीटेड ईयर में उसकी लग्न का साइन ऐड कर दो, इसके 27 कंप्लीटेड ईयर है 2024 में, उसमें लग्न 12 है वो ऐड किया, टोटल 39 आया, उसे 12 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर निकाल लें, जो भी रिमाइंडर आएगा वो राशि पता चल जाएगी ममता की, तो 3 साइन में देखिए ममता आ गई, 1 सेकंड में निकाल लिया। अभी मैं इस नेटिव का आपके सामने निकालना चाहता हूं कि सपोज मुझे इसका 2020 का ममता चाहिए होता, तो 1997 में बर्थ हुआ है, 1 सेकंड में देखिए निकलेगी, तो नेटिव ने कितने ईयर कंप्लीट कर लिए, 23 कंप्लीटेड ईयर हो गए, उसमें 12 ऐड कर दो जो इसकी लग्न है, 20 35 हो गया, इसको 12 से डिवाइड करो रिमाइंडर जो आएगा, तो 12 से डिवाइड करने पर 12 2 24 11 रिमाइंडर आएगा, तो इसकी ममता 11 साइन में होगी, देखिए कितना आसान है, ममता विल बी इन 11 साइन, 23 ईयर कंप्लीट कर चुका है नेटिव, मतलब 24th ईयर में चल रहा है ये, तो वैसे भी निकालोगे तो 24th ईयर में क्या होगी, देखिए 12 साल में यहां पे आ जाती है, फिर नेक्स्ट लाइन में 24 ईयर में ममता यहां पर आ जाती है, तो आपको कोई भी राउंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सीधा सा फिर से मेथड रिपीट कर रहा हूं, जिस ईयर की भी ममता निकालनी है उस ईयर में से उसका बर्थ ईयर सब्ट्रैक्ट करो, आपको कंप्लीटेड ईयर आ जाएंगे, कंप्लीटेड जितने साल का वो नेटिव हो चुका है, जितने साल कंप्लीट कर चुका है उसमें आप लग्न का साइन ऐड कर दीजिए, लग्न में जो भी राशि है उसका नंबर, जो भी नंबर आता है उसको आप 12 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर खुद ममता का साइन होगा, हाउस नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना है, वो आपको सीधा ही राशि पता चल जाएगी किस राशि के अंदर ममता है, तो 3 साइन में ममता है। ममता के बारे में एक और बात बता देता हूं, क्योंकि आपको पता है ममता एक राशि पूरी कवर कर लेती है 1 ईयर के अंदर, तो ममता 1 साल में 30 डिग्री चलती है 12 महीने में, तो 1 महीने में वो चलेगी 30/12, 2.5 डिग्री ममता ट्रेवल करती है 1 मंथ के अंदर, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव लग्न है, लगातार चलती रहती है, तो 1 महीने में 2.5 डिग्री चलती है, 2.5 डिग्री का मतलब हो गया आप कैलकुलेट करोगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, तो 150 मिनट्स हो गई, तो 1 डे में ये चलेगी, आप इसको 30 से डिवाइड कर दें 150 को, तो 5 मिनट 1 डे में ममता ट्रेवल करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव लग्न। तो अब आपको ममता निकालना इजीली आ गया होगा, आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको इनिशियली मैं जो जरूरत की चीजें हैं वो समझा रहा हूं, बाद में हम इसको एनालिसिस करना आपको सिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।